नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश, और आज के वीडियो में कुछ खास चीज पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैंने खास इसलिए कहा क्योंकि मैंने आज के पहले कभी ऐसा कोई वर्ड डॉक्यूमेंट देखा नहीं था जिसमें हमारे टैब्स या रिबन्स नहीं दिखाई दे रहे हो। कोई एक टैब गायब होगा, ठीक है, हमने देखा था कि कैसे एक्टिवेट करते हैं टैब को, जैसे डेवलपर टैब था तो उसे हमने एक वीडियो बनाया था, पर ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई भी टैब नहीं दिखाई दे रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस चीज को काम कर सकते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और कस्टमाइज रिबिन, ये ऑप्शन मेरा ओपन हो गया है। दूसरा तरीका है मेरे पास, फाइल बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ से ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पे ये कस्टमाइज रिबिन का ऑप्शन मुझे मिलेगा, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके बड़ा करता हूँ ताकि सारा चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे। इसको यहाँ थोड़ा यहाँ पर भी ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन टैब्स लिखे हुए हैं, तो सारे टैब्स हमारे पास दिखते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप ऑल टैब्स भी ले सकते हैं और यहाँ से आपको जो भी टैब्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो जैसे हमने जनरली देखा होगा, होम टैब है हमारे पास, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, लेआउट रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, डेवलपर, बैकग्राउंड रिमूवल, और इसके नीचे हेल्प। ये ऐसे टैब्स हैं जो मेन टैब्स हैं, यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए मैंने इस पर टिक कर दिया है तो मैं इसको ओके करके ले भी सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, मेरे होम टैब के पहले मेरा इंसर्ट टैब आ रहा है, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको फिर से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये ठीक से दिखाई दे। और यहाँ पे होम के ऊपर इंसर्ट है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पर, इस एरो मूव डाउन वाले एरो पर क्लिक करके इसको नीचे ले लिया और यहाँ से इसको ऊपर करके ओके कर दिया। ये देखिए मेरा इंसर्ट टैब जो है होम के बाद आने लगा है। तो इसी तरह से आप कोई भी टैब को रख सकते हैं, हटा सकते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप हटा भी सकते हैं। राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पर जाना है और यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज यानी अपने हिसाब से। अभी इस स्क्रीन पर आपको पता चल जाएगा कौन से टैब में क्या क्या ऑप्शन है। देखिए जैसे होम में ये अंडू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सारे ग्रुप में। इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अंडू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ऐसे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंसर्ट में देखना चाहते हैं क्या क्या है, पेजेस में क्या ऑप्शन है हमारे पास, उस पर भी डिटेल है। कवर पेज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इलस्ट्रेशन जिसमें हमारे शेप वो सब होते हैं, तो पिक्चर्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। किसी टैब को रीनेम अगर आप करना चाहते हैं, तो जैसे मुझे इंसर्ट होम टैब है, तो होम टैब को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैं उसे मान लीजिए मुझे कैपिटल में ही लिख देना है, होम ही रहने दे पर कैपिटल में लिख देता हूँ, और मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ से और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए होम लिखा हुआ कैपिटल में आ गया है। इसी तरह कस्टमाइज रिबन पर जाकर यहाँ से जिस भी टैब पे आप चाहते हैं उस टैब पे आप एडिशनल डिटेल यानी उसके नाम को चेंज करना या उसके नाम को बदलना कर सकते हैं। अभी मैं एक न्यू टैब पर क्लिक करता हूँ, तो न्यू टैब पर देखिए यहाँ पे एक न्यू टैब आ गया है और इसको मुझे कस्टमाइज करना पड़ेगा। इसके नीचे न्यू ग्रुप भी आ गया है, देखिए इस तरह से न्यू ग्रुप जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ आ गया है। यहाँ मैं इसको ये नए टैब पे यहाँ पे रीनेम करके इसका नाम दे देता हूँ ट्राई और इसको ओके करता हूँ, यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब देखिए ट्राई नाम का नया ऐप आ गया है, अभी इसके नया टैब आ गया है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया था। मैं यहाँ से कस्टमाइज रिबन पर जाता हूँ और फिर से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से ड्रैग करके कॉर्नर से, देखिए इस तरह से। तो ये नए ग्रुप पर यहाँ पे मैं कुछ रीनेम कर सकता है, रिमूव कर सकता है इसको राइट क्लिक करके, हाइड कमांड लेबल्स कर सकता हूँ, मूव अप मूव डाउन कर सकता हूँ, ये मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से अभी इस टैब पर मुझे कुछ नहीं चाहिए या मेरे को नया कोई टैब चाहिए, नया कोई ग्रुप ऐड करना है, तो ये मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इस नए टैब को यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से टिक कर दिया मैंने और ओके कर दिया। कस्टमाइज रिबिन टैब वाले टैब पे यहाँ से टिक हटा के तो ओके कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ से टैब चला गया है जो हमने ट्राई वाला बनाया। तो इसी तरह से आप अपने टैब का कोई भी नाम जो आपकी सुविधा से आपको लगता है कि ये टैब को ये नाम से बुलाना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये आपका सिस्टम है, आप काम करेंगे, तो आपकी अपनी सुविधा के लिए आप कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। मैं फिर से कस्टमाइज रिबिन पर जाता हूँ और एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास जैसे ये सारे टैब्स हमने देख लिए,
यहाँ से कुछ चेंजेस करना है, जो टैब्स नहीं दिख रहे हैं उस पर टिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। इसके अलावा हमने देखा कि हम कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, वो सारे रिसेट करने, तो आप रिसेट कर सकते हो, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो सारे कस्टमाइजेशन को। अगर आपने कहीं और किसी फाइल में चेंजेस किए, कस्टमाइजेशन किए, तो आप उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हो यहाँ पर इन ऑप्शंस का यूज़ करके। अभी यहाँ पर आते हैं, यहीं पे हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, तो वहाँ पर भी हमारे पास कस्टमाइज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, कस्टमाइज़ में हर एक टैब में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे होम टैब में आते हैं, होम टैब में देखिए बोल्ड के लिए ये दो शॉर्टकट है, बॉर्डर ऑल के लिए हमारे पास अभी कोई शॉर्टकट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इंसर्ट टैब में मैं चलता हूँ, बहुत बार हम लोग पिक्चर वो सब इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं, तो इंसर्ट टैब में चलता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे, हाँ, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर। तो ये देखिए, यहाँ पे इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर पर जब मैंने क्लिक किया तो उसका करंट कीज या प्रेस न्यू शॉर्टकट की, सेव चेंजेस, ये सब क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इस पर देखिए कोई भी शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए मुझे चाहिए कि पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, ये इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर है, तो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट दे देता हूँ, इंसर्ट ओ, माफ़ कीजिएगा, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर की जगह पे मैं इंसर्ट पिक्चर करने के लिए मैं ऑल्ट और ओ दे देता हूँ। तो मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट और ओ टाइप कर लेता हूँ, तो ये मेरा एक नया शॉर्टकट इसके लिए बन गया है। यहाँ पे लिखा है करंटली असाइन टू, अनअसाइन लिखा है, मैं असाइन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए करंट इसके लिए ऑल्ट ओ, इंसर्ट टैब में जो इंसर्ट पिक्चर ऑनलाइन वाला ऑप्शन है उसके लिए ऑल्ट ओ दिखाई दे रहा है। अब सेव चेंजेस के ड्रॉप डाउन पर दो ऑप्शन है, एक है नॉर्मल और दूसरा है आपका एमएस वर्ड साथी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका नाम है आपका एमएस वर्ड साथी, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी में ये चेंजेस हो, तो इसके लिए मैं इसको चूज कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सारे वर्ड डॉक्यूमेंट अभी से जो भी ओपन होंगे सब में यही शॉर्टकट हो, तो मैं ये नॉर्मल पे रख सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपका एमएस वर्ड साथी रख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप ये देखिए ऑल्ट ओ आ गया है, क्लोज किया मैंने, यहाँ से कस्टमाइजेशन कर लिया एक कीबोर्ड और यहाँ से ओके कर लिया। अब जैसे हमने डिसाइड किया था, मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट ओ प्रेस करता हूँ। ये देखिए मैंने ऑल्ट ओ प्रेस किया है, अब वो ऑनलाइन पिक्चर वाला ऑप्शन आने लगा है। इसी तरह मैं एक और कुछ ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके, या फिर मैं फाइल ऑप्शन पे जाके, ऑप्शंस में जाके यहाँ से कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कस्टमाइज पर क्लिक कर देता हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए। अभी मेरे पास इंसर्ट टैब में, इंसर्ट या फिर मैं होम टैब में मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं दिखाई दे रहा है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ, स्ट्राइक थ्रू, देखिए स्ट्राइक थ्रू के लिए अभी कोई शॉर्टकट नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं उसके लिए एक नया शॉर्टकट बना लेता हूँ, ऑल्ट एस। तो ये ऑल्ट एस मैंने एक नया बना दिया, ये ऑल्ट मैंने सिर्फ यहाँ पे टाइप नहीं किया है, कीबोर्ड पे ऑल्ट और एस को प्रेस किया है, नया की आ गया। मैं इसे डॉक्यूमेंट में ले लेता हूँ, असाइन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो अब जब मैं यहाँ पर आके ऑल्ट एस प्रेस करता हूँ, ये देखिए स्ट्राइक थ्रू पे हाईलाइट हो गया है। मैं इस डॉक्यूमेंट पे जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एस प्रेस करता हूँ, ये देखिए स्ट्राइक थ्रू हो गया है। अब ये हमने देखा कि हमने इसको कैसे किया। अब यहाँ से हम कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज पर जाते हैं, रिसेट ऑल पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब हमने ऑल्ट एस रखा था, मैं इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एस दबाता हूँ, ये देखिए ऑल्ट एस से कुछ नहीं हो रहा है। हमने पिक्चर के लिए ऑल्ट ओ रखा था, ऑल्ट ओ भी दबाने से यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मैंने अभी कीबोर्ड शॉर्टकट भी आपको बताया कि हम कैसे उसको कीबोर्ड शॉर्टकट को बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हम चाहते हैं उस हिसाब से। इसको थोड़ा ड्रैग करके बता देता हूँ। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग अपने सारे रिबिन्स पे से सारे टैब्स को हटा सकते हैं, किस टैब में क्या क्या ऑप्शन है वो भी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, प्लस के साइन पर क्लिक करके ही सारे ऑप्शन, उसके अंडर में क्या क्या सब ऑप्शन है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। नया कोई टैब बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं, इसमें ये जो ग्रुप्स हैं उसको कैसे ऐड किया उसको भी हमने देखा था, उसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, एक एक ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव भी करके आपको दिखा रहा हूँ साथ ही, ये देखिए रिमूव कर लिया है मैंने, और यहाँ से ये इस टैब को भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर लिया।
तो यहाँ पे पहुंचने के दो तरीके थे, एक तो राइट क्लिक करके या फिर ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कस्टमाइज रिबिन पे जाके इसको चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि कैसे किसी भी पोस्ट के लिए, या जैसे ब्लॉग पोस्ट है या किसी भी टैब में से कोई भी ऑप्शन अगर हमारे पास है जो बार बार यूज़ करते हैं और उसका शॉर्टकट की नहीं है, तो हम अपने हिसाब से शॉर्टकट की को बना सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन ये भी थे कि हमें उसे किस डॉक्यूमेंट में सेव करना है, नॉर्मल यानी सारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा, या फिर आपका एमएस वर्ड साथी यानी जो भी आपका नाम होगा आपके डॉक्यूमेंट का उसके लिए सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, तो वो भी आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ खास चीज़ पे बात करने वाले हैं, आपको ये वीडियो बहुत ही खास लगा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें भी यही सीखने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू।